एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देश में अगले कुछ दिन ठंड का सितम बढ़ने जा रहा है और इसकी वजह है पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों पर खूब बर्फ बरस रही है। पहाड़ों पर गिरती ये बर्फ मैदानी राज्यों में तापमान गिराने वाली है। से जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय हाईवे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है, इसलिए सड़क से बर्फ हटाने का काम कुलगाम के इलाकों में जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में भी बीती रात खूब बर्फ बरसी, जिसके बाद यहां भी क्रेन मशीनों से रास्ते साफ किए जा रहे हैं। पुलवामा में भी बर्फ हटाती क्रेन मशीनों के इंजन इसी तरह गरज रहे हैं। यहाँ कल से खूब बर्फ गिर रही है, सड़क बर्फ में दब गई है, पेड़ भी बर्फीले हो गए हैं। कहीं कहीं तो नजारा ऐसा बन गया कि जैसे बर्फ का रेगिस्तान हो। अब जम्मू कश्मीर के रामबन की ये तस्वीर देखिए, यहाँ हिल स्टेशनों का हाल बर्फ ने क्या बना दिया है ये आपको दिख जाएगा। होटलों के बाहर गाड़ियाँ बर्फ में गायब हो गई हैं, सड़कों पर भी कई फीट मोटी बर्फ जम चुकी है। रामबन के बटोत और पटनी टॉप पहाड़ी इलाकों का भी यही हाल है। ऐसा नहीं है कि बर्फ ने सिर्फ मुसीबतें ही बढ़ाई हों, इस सफेद ठंडी फिजा ने तो सैलानियों के जैसे पैसे वसूल कर दिए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बर्फ में दबी पहाड़ों के बीच केबल कार की सवारी, कितना मजा आ रहा होगा ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। पटनी टॉप में इस बर्फबारी का सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी बर्फ ऐसे ही रुई बनकर खूब बरस रही है। यहाँ हर तरफ सफेद रंग की परत सी चढ़ गई। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बड़कोट के सांकरी कस्बे की है। वैसे पूरी यमुना घाटी के इलाकों का कल से यही हाल दिख रहा है। अब बर्फ से ढके इन रास्तों से आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी। गाड़ी आगे बढ़ती जाती है लेकिन बर्फ में दबे पहाड़ों का नजारा खत्म नहीं होता। और फिर हिल स्टेशन पहुंचकर ऐसा खूबसूरत नजारा सामने आ जाता है। सड़क पर बर्फ, होटलों की छतों पर बर्फ, यानी सैलानियों की बल्ले बल्ले। बर्फबारी का मजा लेने के लिए सैलानी सुक्की टॉप और भैराव घाटी तक पहुंच रहे हैं। पहाड़ी रास्तों पर गाड़ियां रोककर कुछ लोग हमें सेल्फी लेते भी दिखे, लेकिन हमारी सलाह है कि पहाड़ी रास्तों पर पूरी तरह सावधानी बरतिएगा। हिमाचल के धौलाधार में भी पहाड़ बर्फ से सज गए हैं। यहाँ रविवार से मौसम की ताजा बर्फबारी चालू है, जिसके बाद तापमान और गिर गया।
हालांकि ठंड और बर्फ का मजा यहां भी सैलानी जम कर ले रहे हैं। धौलाधार के पास बसे मैक्लोडगंज, धर्मकोट और नड्डी में बर्फ गिरने की सूचना जैसे ही लोगों को पहुंची, सैलानी यहां पहुंच गए। ठंडे मौसम में बर्फबारी का मजा लेना हर कोई चाहेगा, लेकिन कई बार ये मुसीबत भी बन जाती है। हिमाचल की वादियों में सैलानी कांगड़ा ऐसा ही मजा लेने पहुंचे थे, लेकिन रास्ते बंद हुए तो फंस गए। 70 से ज्यादा सैलानियों पर मुसीबत बनाई। हालांकि सूचना मिलते ही बचाव दस्ते ने फौरन ही सभी सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया। पहाड़ों पर बर्फबारी हुई तो मैदानी राज्यों में ठंड से आफत कम नहीं है। राजस्थान के चुरू की ये तस्वीर देखिए, कैसे घास, पेड़ पौधे और फसल सब बर्फ में जम गए। चुरू में आज तापमान -1 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों की बर्फ का ही असर है कि दिल्ली NCR में अभी ठंड और बढ़ेगी। अभी तक दिल्ली में सुबह और रात को ठंड ज्यादा रहती है, दिन में धूप निकल ही आती है, लेकिन अगले 2-3 दिन शायद सर्दी का सितम बढ़ जाए। ABP News, आपको रखे आगे।